अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर शीशी अजमेर शरीफ से। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बखोगे, धर्म को भी गालियां बखोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बखोगे, एक समुदाय मुसलमान समुदाय को गाली बखोगे, और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें, और फिर जब रिएक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो है जिन्होंने एक्शन किया उसको तो गोदी मीडिया दिखाता नहीं है और मुसलमानों के रिएक्शन को दिखा देता है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, आज तक पकड़े नहीं जाते हैं कि हम किसी देवी देवताओं के लिए ऐसा कुछ करते हैं। कोई हमारा धार्मिक जुलूस निकलता है तो हम किसी के मंदिर पे जाके हमारे हरे रंग के झंडे लगाते हैं कि हम डीजे बजाकर उनको गालियां बकते हैं, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुल्क के प्रधानमंत्री खामोश, लॉरेंस बिश्नोई जेल से सुपारियाँ लेता है, नामचीन मुसलमानों को मारता है, कभी सिखों को मारते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट का हाथ नहीं हो तो क्या ऐसा हो सकता? हमारे देखिए, ईद पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं, दरूशी पढ़ते हुए जाते हैं, खामोशी से लौट आते हैं, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा निकलता है, खामोशी से जाते हैं, खामोशी से आ जाते हैं। इसे इसराइली मैकेनिज्म कहेंगे। 1967 में पहले गाज़ा में घर तोड़े थे इसराइलियों ने, वही पॉलिसी को अडेप्ट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी चला रहे हैं। वो तो एक बहुत छोटी सी जगह है, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, एक कंपोजिट कल्चर है हमारा, डाइवर्सिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ ही देख लें, मैं जैसे कभी आवाज़ उठाता हूँ तो एक बात आती है मुनाफिकों की, हासिदों की, मुनाफिकों की और दलालों और मुखबिरों की, कि ये मरवा देगा, ये मत बोलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अभी वक्त नहीं है, हिकमत अमली से काम लो। ये कौम को बुज़दिल बनाने वाली बात है। हमारी कौम बुज़दिल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को डराओ, लेकिन डरना भी तो जुर्म है ना। किसी को डराओ ना किसी को से डरो, लिव एंड लेट लिव, प्यार मोहब्बत से रहो, लेकिन ये मुश्किल कर दिया है हमारा जीना मुस्लिम। अब हम FIR प्रोटेस्ट पोजिशंस भी करके देख चुके, अभी तक नूपुर शर्मा से लेकर ये बंद नहीं हो रहे। अभी जैसलमेर की तरफ भी किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। कब तक हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त करते रहेंगे? गवर्नमेंट से हम ये सवाल करते हैं। शहमानिल्ला, अल्लाह हाफिज़। मैं सेक्स वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन मुनिया बकरी चुस्तिया खुदाम राजा साहब बकरा शरीफ बैठे हैं। अपनी पूरी जिम्मेदारी के तहत जो है एक चीज़ को महसूस किया कि जो सेक्रेटरी साहब के बयान ज़ाती तौर पर इस तरीके के आ रहे हैं जिससे कौम में इंतशार पैदा हो रहा है। इस के साथ हम चूँकि बाहर रहते हैं, हमको इस चीज़ का ज़्यादा इल्म है और ज़्यादा इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि क्या क्या लोगों का कहना होता है, क्या क्या लोग बातें करते हैं। लोगों का ये भी कहना होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पुरअमन और अमन का पैगाम जाता है वहाँ से हेट स्पीचेस जो हैं जारी हो रही हैं और पूरी कौम खामोश बैठी है। लिहाजा हमने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए आज अंजुमन में सदर साहब के नाम पर इतफाक़ से वाहिद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, इनको एक मेमोरेंडम दिया सदर साहब के नाम, और जिसमें ये कहा कि अगर ये उनके ज़ाती मफादात हैं तो आप इनको जितना भी जल्दी हो सके इसे रोकें, वरना आगे की कार्रवाई हम करेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई हम करेंगे। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आपने ये आपकी आवाज़ नहीं, पूरी कौम की आवाज़ है, उस अकीदतमंद लोगों की भी आवाज़ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन लोगों को भी अकीदत पर गेस्ट रखिए और हमेशा दरबार से ये हकीकत है कि शांति और अमन के पैगाम गए। मेरी पुरजोर अपील करूँगा सदर साहब से कि दरख्वास्त आज लीजिए, लोगों को जल्द से और लोग भी देने के लिए तैयार हैं। आप खुलकर बयान दें कि आप इसके साथ हैं या नहीं। ये बयान ऐसे बिना कमेटी किए, बिना अखराजात पास किए, बिना एजेंडा निकाले हुए इस तरह का बयान कैसे दे दिए? इस पर फौरन कार्रवाई हो। इससे पहले भी बयान एप्लीकेशन लोग दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। लिहाजा ये मौका, ये वक्त ऐसा है कि हमें खामोश बैठने का
नहीं है। हमारी पूरी गुजारिश है कि आप इस पर जल्द अज जल्द 3 दिन मिले नहीं तो हमारा स्टाफ होगा, चाहे उसमें आप सेक्रेटरी से इस्तीफा लें या किसी दूसरे को सेक्रेटरी बनाएं, या आप कुछ पहले जहाँ पर ये कहते हैं कि हम सब लोग उसके बयान के साथ हैं। उम्मीद है हमें जल्द से जल्द सदर साहब इसका जवाब देंगे और मैं आवाम के साथ हूँ। जब आवाम आई है बहसीत मेम्बर बहसीत एक सेक्रेटरी, मैं यही कहूँगा कि हम उस बयान के बिल्कुल कतई साथ नहीं बल्कि मुखालिफ हैं। ऐसे बयान इस आसाने से कभी गए ना हुए हैं। ये बयान सिर्फ ज़ाती नामो नमूद के लिए दिए जा रहे हैं, इसको फ़ौरन रोका जाए और कार्रवाई अमल में लाई जाए।